जहाँ दिल देखकर प्यार करना चाहिए वहाँ लोग मोहब्बत चेहरे से करते हैं। नमस्कार, मैं चेतन भाटी द संडे पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। द संडे पोस्ट फिल्म समीक्षा में हमारे पास जो फिल्म है उसका नाम है उजड़ा चमन। उजड़ा चमन 1 नवंबर को रिलीज़ हो चुकी है। इस फिल्म को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। और वहीं दानिश जय सिंह ने इस फिल्म को लिखा है और जो गाने दिए हैं फिल्म में वो दिए हैं गौरव रोशन एंड गुरु रंधावा ने। पनोरमा स्टूडियो के बैनर तले बनी है उजड़ा चमन। स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में है सनी सिंह। जी हाँ, सनी सिंह आपको पहले भी देखने को मिले थे प्यार का पंचनामा 2 और सोनू की टिट्टू की स्वीटी में। और जो एक्ट्रेस हैं इस फिल्म में, जो लीड रोल में हैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम किया है, वो है मानवी गागरू। जी हाँ, मानवी गागरू अप्सरा बत्रा का किरदार निभा रही हैं इस फिल्म में। कहानी की तरफ रुख करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है, चमन कोहली जो सनी सिंह मतलब जिनका किरदार निभा रहे हैं, वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, हिंदी के लेक्चरार होते हैं और वो टकले होते हैं। और इसी वजह से वो इस परेशानी से ग्रस्त होकर उनके स्टूडेंट और उनके आसपास जो लोग होते हैं उनको अजीब अजीब तरीके से अजीब अजीब नामों से उनको पुकारते हैं, जैसे टकला, गंजा और उजड़ा चमन। इसी से परेशान होके चमन कोहली डिप्रेशन में आने लगते हैं और अपने ही आप में घुटते रहते हैं। इसी परेशानी को लेकर उनके परिवार वाले उनको नहीं देख पाते कि वो डिप्रेशन में ना आ जाए हमारे बेटा कहीं, तो इस वजह से उसका उस चीज़ का वो सॉल्यूशन लेके अपने एक गुरुजी के पास जाते हैं जो कि बने हैं सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला गुरुजी का किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में, जो कि बहुत ही बेहतरीन उन्होंने ये किरदार निभाया है। आप लोग पहले से ही सौरभ शुक्ला को जानते हैं। तो वो एक उपाय बताते हैं कि अगर 31वें जन्मदिन से पहले इनकी शादी करा दी गई तो ही शादी हो जाएगी, वरना जीवन भर कुंवारा मरेगा। तो ये सॉल्यूशन रहता है गुरुजी का। ये सुन के उनके परिवार वाले विचलित हो जाते हैं कि अब क्या होगा, 1 साल ही रह गया है, क्योंकि वो 30 साल के होते हैं। तो वो इस भगादौड़ी में लग जाते हैं कि कैसे लड़की ढूंढी जाए, क्योंकि पहले से ही 50 लड़कियों ने उनको रिजेक्ट किया हुआ होता है, 50 परिवारों ने। तो वो उस भगादौड़ में लग जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। कहीं ना कहीं चमन कोहली अपना सोशल मीडिया पे, वो टिंडर वगैरह पे वो लड़की ढूंढते हैं, उनको एक लड़की पसंद आ जाती है, वो डेट पे जाते हैं, लेकिन उस लड़की को पता नहीं होता कि वो गंजे हैं, क्योंकि उनकी फ़ोटो क्लोज़अप में आती है कैमरे में। तो वो उनसे डेट करने के लिए जाते हैं, मिलते हैं, तब उनको लड़की मिलती है अप्सरा बात्रा, जो कि निभा रही है, बहुत अच्छा किरदार निभाया उन्होंने। वो उनको मिलती हैं, जब उनको देखते हैं तो उनको पता चलता है वो गंजे हैं। उनके मन में सवाल आता है कि मैं एक गंजे से शादी नहीं कर सकती। और वहीं चमन कोहली भी अपने मन में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मेरे पास ज़रूर बाल नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं हैंडसम दिखता हूँ, तो मैं ओवरवेट लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो इसी के परे फिल्म है। हमें ये फिल्म कहीं ना कहीं एक मैसेज देती है, एक सुंदर मैसेज देती है कि हमें अपना जैसे हम खुद हैं, चाहे बाल हों ना हों, चाहे हम लुक्स कैसे भी हों, हमें भगवान ने बनाया है, हमको ऐसे ही रहना चाहिए। हमें दूसरों की बातों में ना आके खुद को बदलना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। हमें किसी के लुक्स को डिफ़ाइन नहीं करना चाहिए कौन कैसा है। तो ये फिल्म मुझे काफ़ी हद तक एवरेज लगी, इतनी बढ़िया फिल्म नहीं है। कुछ थोड़े बहुत डायलॉग हैं जिनमें आपको हंसी आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी कि जितनी आनी चाहिए। जितने पैसे दिए गए हैं फिल्म में, पैसा वसूल फिल्म में, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूँगा इस फिल्म को। क्रिटिक्स अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है फिल्म की। डायरेक्टर ने काम थोड़ा ठीक ठाक किया, लेकिन इतना भी ठीक नहीं किया, कहीं ना कहीं डायरेक्टर की गलती रही। स्क्रिप्ट थोड़ी ढीली लगी मुझे। ये तो तेरे जैसा लग रहा है, ये तो तू ही है। सर ये गलत बोल रहा था, मजाक बना रहा था मेरा। क्या बोल रहा था तू? सर उजड़ा चमन। शट अप, तुम्हारे बाप की उम्र क्या है ये? सर मैं 30 साल का हूँ। बाजे ढोल जगीरा मेरा चंदा चंदा बोल दे। उजड़े चमन। सर पे ना भार मेरा उड़े मन डोल दे। फोटो दिखा देना हीरो वर्गी और मुंडा निकला टकलू। तेरी पहनू। अब गंजे लड़के से मिलने को कोई तैयार ही नहीं है। बिना शादी के भी लोग खुश रह सकते हैं। अच्छा एक नाम बताइयो। सलमान खान। उन लोगों की बात अलग है, उन्हें कम से कम मिल तो जाती है। लड़की मिल जाती है ना। 31वें जन्मदिन से पहले अगर विवाह नहीं हो तो लड़का आजीवन कुंवारा रहेगा, शादी होगी नहीं कभी।
शाम को कहीं जा सकते? सर घर पे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर आप फ्री हो। मेरा तो ऑलरेडी आज प्लान है ना बॉयफ्रेंड के साथ। तुम टेंशन मत लो, सबकी हो जाती है, नंदू की भी हो गई। नंदू कौन? मेरा ड्राइवर। 30 साल का जवान लड़का और वो भी प्योर है। इसमें कोई शान की बात नहीं है। वर्जिन मरेगा, वर्जिन। क्या मरेगा? तेरे बदन में अब वो आ गए हैं, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। पता, जब वो बदन में उनकी मात्रा बढ़ती है ना तो एक अजीब सी आग धधकने लगती है। आग? हाँ। पुष्पा, 1000 बार मैंने बोला है कपड़े ढंग से पहन के आया कर। 3-3 मर्द घूम रहे हैं यहाँ पे। नाजुल वो की छैया खिली है धूप दैया, के नचरे हो स्लाइड मेरे रूप। मुझे पता है कि मैं ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ, पर मेरा हमेशा सपना था कि मेरी ब्यूटीफुल बीवी हो। ऑटो, आप किधर हो एग्जैक्टली? अरे वो बड़ा वाला गुंबद है ना, उसी के नीचे। वहाँ तो कोई गंजा आदमी खड़ा है। सबके लबों पे यही बात, देखो जी चांद निकला। ओ, चमके रे चमके ये चिकनी सड़किया, नाई का खर्चा न मांगे बावरिया। देखे जो बोले यही बात, देखो जी चांद निकला। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर मुझे बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। मुझे जैसी फिल्म लगी मैंने आपको बता दी, तो मैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार देना चाहूँगा। धन्यवाद।